इंसानी जरूरतों में आपस का भाईचारा और अमन समाज की बुनियाद है। कोई भी मोहल्ला, जिला, सूबा या देश बगैर अमन के आगे नहीं बढ़ सकता। बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में हुकूमत से जुड़ी ताकतें आज अमन को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। मालेगांव से लेकर अटाली तक सांप्रदायिकता की ताकतों को बेपनाह छूट सी मिली हुई है। पुलिस की मौजूदगी में हम मारपीट की घटनाओं को देख रहे हैं। सरकार की तरफ से दबाव हो रहा है कि जो पकड़े जा रहे हैं, जैसे मालेगांव में, तो रोहिणी शालियान कहती हैं कि इसमें हस्तक्षेप हो रहा है। साथियों, भारत की नागरिक शक्ति की यह चुनौती है कि पूरे मुल्क में अमन कायम करने के लिए हम आगे आएं। कैसे? अमन कमेटियां बनाएं। शहर के और जिले के लोग जो धर्मों में आस्था रखते हुए एक दूसरे के प्रति भाईचारा भी रखते हैं, वह आगे बढ़कर धर्म की बुनियाद पर, जाति की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर हो रही सियासत को रोकें, झगड़ों को रोकें और अमन जो इस मुल्क का पूरे मुल्क दुनिया के लिए पैगाम है, गौतम से लेकर गांधी तक इस मुल्क ने लगातार इसी को तो पूरी दुनिया को सिखाया है, हम क्यों भूल रहे हैं। हम इस काम में अपने तमाम पुरखों से, धर्म गुरुओं से, अपने स्वतंत्रता सेनानियों से, साहित्यकारों से, मीडिया कर्मियों से, कानून के राज में यकीन करने वाले हर स्त्री पुरुष से मदद की उम्मीद रखते हैं। आइए अमन कमेटी से जुड़िए। स्वराज अभियान की तरफ से यह निमंत्रण, यह दावत आपके लिए इस समय की सबसे बड़ी जरूरत के तौर पर है। अगर अमन पर हो रहे हमलों को हमने नजरअंदाज किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज ही अमन कमेटी से जुड़ें।